अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6। वी आर गोना डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ मॉडिफाइंग टेबल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हियर इज आवर क्वेश्चन, डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ मॉडिफाइंग टेबल। टेबल को मॉडिफाई करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो है वो आपने बताने हैं, कि जो MS Excel के अंदर अवेलेबल हैं, कि किन किन तरीक़ाकार से हम जो है टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप नया डेटा ऐड करते हो या एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज करते हो तो तब भी आप टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, या आप कुछ डिलीट कर रहे हैं अपने टेबल में से तब भी आप टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, या जो चेंज टेबल के अंदर क्रिएट होता है वो मॉडिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम जो है टेबल को मॉडिफाई फाइव वे में कर सकते हैं, पाँच तरीक़ों से। एक तो हम रिकॉर्ड ऐड करके, दूसरा जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उनको एडिट करके, तीसरा रिकॉर्ड को डिलीट करके, फोर्थ इंसर्ट या डिलीट करके फील्ड्स को टेबल के अंदर, और इसके अलावा रीसाइज़ करके रोज़ और कॉलम को हम अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये वो तरीक़ाकार है जिनसे टेबल जो है वो आपका मॉडिफाई होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एडिंग अ रिकॉर्ड, यानी जब हम एक रिकॉर्ड जो है टेबल के अंदर ऐड करते हैं तो वो मॉडिफाई हो रहा होता है। द यूज़र कैन ऐड अ न्यू रिकॉर्ड टू अ टेबल इन अ डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू के अंदर हमने पढ़ा था डिज़ाइन व्यू, डेटा शीट व्यू मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे, तो उनमें से हम जो है डेटा शीट व्यू के अंदर जाके नया रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं। द न्यू डेटा इज़ टाइप्ड इन अ रिकॉर्ड दैट हैज़ एन एस्टेरिक ऑन द लेफ्ट। इट इंडिकेट द न्यू रिकॉर्ड, जब आप नया डेटा ऐड करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड पे स्टेरिक जो है वो डिस्प्ले होगा। द यूज़र कैन ऑल्सो क्लिक अ न्यू रिकॉर्ड बटन एट द बॉटम ऑफ अ डेटा शीट टू मूव टू द लास्ट एम्प्टी रिकॉर्ड टू ऐड द न्यू रिकॉर्ड। कहते हैं कि अगर हमारे सपोज हमारे टेबल के अंदर 10 रिकॉर्ड हैं, आप 11th नंबर पे नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं, तो डेटा शीट व्यू के लास्ट में बटन होता है, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और नया रिकॉर्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। एडिटिंग का रिकॉर्ड, अब अगर हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है और हम उसको एडिट करना चाहते हैं, द यूज़र कैन एडिट अ रिकॉर्ड बाय प्लेसिंग द कर्सर इन द रिकॉर्ड टू बी एडिट एंड मेकिंग अ नेसेसरी चेंज। जिस लाइन पर जिस रिकॉर्ड को आपने चेंज करना होता है आप उसके ऊपर कर्सर रखते हैं और उसके अंदर चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। द एरो कीज़ आर यूज्ड टू मूव थ्रू द रिकॉर्ड ग्रिड। रिकॉर्ड ग्रिड का मतलब ये है, वो जो टेबल आपको नज़र आ रहा है यानी जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें आप आगे पीछे मूव करने के लिए एरोज़ को यूज़ कर सकते हैं। द प्रीवियस, इसके अंदर बटन होते हैं, द प्रीवियस नेक्स्ट फर्स्ट लास्ट रिकॉर्ड बटन एट द बॉटम ऑफ अ डेटा शीट। डेटा शीट के लास्ट में प्रीवियस का बटन, नेक्स्ट का बटन, फर्स्ट का, लास्ट रिकॉर्ड का बटन होता है, आप उन पर क्लिक कर सकते हैं और उनकी मदद से एडिट कर सकते हैं। दैट आर हेल्पफुल इन अ डेटा शीट। डिलीटिंग अ रिकॉर्ड, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग टेबल है और आप उसके अंदर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, द यूज़र कैन मॉडिफाई टेबल बाई डिलीटिंग अ रिकॉर्ड ऑन अ डेटा शीट। द फॉलोइंग प्रोसीजर कैन बी यूज टू डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। अब उसने स्टेप्स लिख दिए हैं, प्लेसिंग द कर्सर इन एनी फील्ड ऑफ द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड। रिकॉर्ड की जो फील्ड आप डिलीट करना चाहते हैं यानी जिस सेल में से आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं, जिस कॉलम का डेटा डिलीट करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर कर्सर रखते हैं, सेलेक्ट अ एडिट, ऊपर से आप जो है मेन्यू बार से सेलेक्ट एडिट को सिलेक्ट करेंगे। एडिट के अंदर है डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम अ मेन्यू बार, उसके बाद मेन्यू बार में से आप डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे, या फिर क्लिक द डिलीट रिकॉर्ड बटन ऑन द डेटा शीट टूल बार, या फिर टूल बार के ऊपर डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन होगा, आप उसको क्लिक करेंगे। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग अ फील्ड, अगर आप कोई नई फील्ड, नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं,
A better method to add a new field is the use of a design view. अगर आप नया कॉलम टेबल के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप डिज़ाइन व्यू में जाएं और वहाँ पर ऐड करें. द डिज़ाइन व्यू प्रोवाइड द मोर ऑप्शन टू ऐड द फील्ड क्विकली. डिज़ाइन व्यू के अंदर फील्ड जो है कॉलम जो है वो ईजिली ऐड हो जाता है, उसके लिए काफ़ी ऑप्शन होते हैं. द फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ डेटा शीट व्यू. डेटा शीट व्यू के अंदर कॉलम को ऐड करने के ये तरीकाकार हैं. अब ये हमारे पास जो है कॉलम को ऐड करने का तरीकाकार जो है यहाँ पर बताया गया है. सिलेक्ट, जैसे कि सिलेक्ट इंसर्ट, इंसर्ट का ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे. कॉलम फ्रॉम अ मेन्यू बार, मेन्यू बार से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे. द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ डेटा शीट व्यू. अगर आप डेटा शीट व्यू के अंदर से कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन जो है वो आपके पास दिया है. सिलेक्ट कॉलम टू डिलीट, प्लेस द कर्सर इन इट. जिस कॉलम को आपने डिलीट करना है उसके ऊपर आप कर्सर प्लेस करेंगे. सिलेक्ट एडिट, एडिट के ऑप्शन में जाएंगे. डिलीट कॉलम फ्रॉम द मेन्यू बार, और मेन्यू बार से उसको डिलीट कर सकेंगे. उसके बाद हमारे पास है रीसाइजिंग रोज एंड कॉलम. हम अपनी रोज और कॉलम को रीसाइज भी कर सकते हैं. द हाइट ऑफ, यानी जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर डेटा होता है, हम उसकी हाइट विड्थ वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हैं. द हाइट ऑफ अ रोज ऑन अ डेटा शीट कैन बी चेंज. डेटा शीट के अंदर रोज की हाइट को चेंज किया जा सकता है. द यूज़र कैन ड्रैग द ग्रे साइजिंग लाइन बिटवीन द रोज लेबल अप एंड डाउन विद द माउस. माउस की मदद से हम जो है जो लाइन होती है ग्रे कलर की, उसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं. द हाइट ऑफ आर रोज इज चेंज्ड इफ देयर इज एनी चेंज इन द हाइट ऑफ एनी रो. अगर हम एक रो की हाइट को चेंज करेंगे तो बाकी तमाम रो की हाइट भी चेंज हो जाएगी. द कॉलम विड्थ कैन ऑल्सो भी चेंज. कॉलम की का साइज, उसकी विड्थ भी चेंज की जा सकती है. या यूज़र कैन ट्रैक द साइजिंग लाइन बिटवीन द कॉलम, कॉलम के दरमियान जो लाइन है उसको रिसाइज किया जा सकता है. द यूज़र कैन डबल क्लिक द लाइन. हम लाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे. एक्सपेंड द कॉलम अकॉर्डिंग टू द लॉन्गेस्ट वैल्यू इन द कॉलम. और कॉलम के अंदर जो हमने वैल्यूज डाली होंगी उसके अकॉर्डिंगली, जो लॉन्गेस्ट वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली हम अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं. डिफरेंट कॉलम ऑन अ डेटा शीट कैन हैव अ डिफरेंट विड्थ. मुख्तलिफ कॉलम की विड्थ जो है मुख्तलिफ है. द एग्जैक्ट वैल्यू कैन बी असाइंड. एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हम दे सकते हैं. कहाँ से? फॉर्मेट पे जाएंगे, वहाँ से रो हाइट, रो हाइट सेलेक्ट करेंगे, या फिर क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, कॉलम विड्थ वहाँ से सिलेक्ट करेंगे. इसका मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी, यानी प्रैक्टिकल इसकी एक वीडियो भी बना दूंगी ताकि आप लोगों की समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाए. ये थे टेबल को मॉडिफाई करने के तरीक़ाकार. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है. ये वाले जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ अंदर अंदर से, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. ये प्रीवियस पेपर में आए हैं, आप लोग खुद भी पास्ट पेपर से देख सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़.